कीबोर्ड कंप्यूटर पे काम करते टाइम सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला एक डिवाइस। दोस्तों जो कीबोर्ड होता है अगर हम चाहें तो इससे अपना काम जल्द से जल्द भी फिनिश कर सकते हैं। बस इसके लिए हमें कीबोर्ड के सभी कीज के बारे में पता होना जरूरी है कि आखिर कीबोर्ड में कितने टाइप की कीज होती हैं और किस की का क्या वर्क होता है। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कीबोर्ड और उससे जुड़े सभी कीज के बारे में। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। मेरा नाम है जीतू और ECC एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका यूज किसी भी टाइप के डेटा और इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में इंसर्ट कराने के लिए किया जाता है। जब भी हम कीबोर्ड से कुछ भी चीज टाइप करते हैं तो सबसे पहले वो CPU में जाता है। CPU उस चीज को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद वो उसे मॉनिटर पे भेजता है और मॉनिटर फिर हमें उस चीज का आउटपुट शो करता है। और इस तरीके से जो भी हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं वो हमें मॉनिटर पे शो होता है। बात करें कीबोर्ड में कीज की तो कीबोर्ड में टोटल 104 कीज होती हैं जिनका अलग अलग टाइप से यूज किया जाता है। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में कि आखिर कीबोर्ड में कितने टाइप की कीज होती हैं। तो बात करें कीबोर्ड में कीज की तो टोटल कीबोर्ड में 5 टाइप की कीज होती हैं, जिसमें नंबर 1 आती है आपकी अल्फाबेटिक कीज। अल्फाबेटिक कीज वो कीज होती हैं जो ए से जेड तक जितने भी कीज होती हैं उन्हें कंटेन करती हैं। जितने भी हम नाम लिखते हैं, कैरेक्टर लिखते हैं, वो सभी हम अल्फाबेटिक कीज के थ्रू ही लिखते हैं। इसके बाद नंबर 2 आता है नंबर की। नंबर कीज वो कीज होती हैं जो 0 से लेकर 9 तक की डिजिट कंटेन करती हैं। अब जो नंबर कीज होते हैं ये हमारे अल्फाबेटिक कीज के ऊपर भी होते हैं और कीबोर्ड के राइट हैंड साइड भी शो होती है। इसके बाद आता है थर्ड स्पेशल कीज। स्पेशल कीज वो कीज होती हैं जो स्पेस बार, कैप्स लॉक की, बैक स्पेस की, शिफ्ट की, एंटर की, सिंबल और टैब की, इन सभी को जो कंटेन करती है वो स्पेशल कीज होती हैं। इसके बाद आता है नंबर 4 फंक्शन कीज। F1 से लेके F12 तक जितनी भी कीज होती हैं वो फंक्शन कीज कहलाती हैं। फंक्शन कीज का यूज़ अलग अलग टाइप से अलग अलग कामों के लिए किया जाता है। और नंबर 5 यानी नंबर 5th आता है नेविगेशन की। हर कीबोर्ड में अलग अलग टाइप की नेविगेशन की होती हैं, जैसे कि एरो की, होम की, एंड की, कंट्रोल की, ऑल्ट की, पेज अप की, पेज डाउन की, डिलीट की एंड इंसर्ट की। ये सभी कीज जो होती हैं ये नेविगेशन कीज में आती हैं। दोस्तों कई बार जब आप कीबोर्ड यूज़ करते होगे तो आप ये सोचते होगे कि ये जो कीबोर्ड होता है ये ABCD इस तरीके से अरेंजमेंट क्यों नहीं होता है, यानी इसमें जो बटन्स होते हैं वो अल्फाबेटिक जो होते हैं उस तरीके से अकॉर्डिंग क्यों नहीं होते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप में क्यों होते हैं। तो इसके पीछे का भी एक रीज़न है और वो रीज़न ये है, जब स्टार्टिंग में कीबोर्ड आया था तो वहाँ पे जो बटन्स होते थे वो ABCD इस तरीके से ही अरेंज थे। लेकिन इससे क्या होता था कि जो भी कीबोर्ड पे नया नया पर्सन टाइप करता था वो कुछ ही टाइम में टाइपिंग सीख जाता था और वो बहुत तेज़ी से टाइप करता था, जिसकी वजह से कीबोर्ड जो होता था वो जाम भी हो जाता था और कई बार कीबोर्ड के बटन्स भी टूट जाते थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता था। इसकी वजह से कीबोर्ड के बटन को रैंडमली अरेंज कर दिया गया और इस तरीके से आपके क्वालिटी कीबोर्ड का जन्म हुआ। और आज के टाइम में आप देख ही सकते हो कि क्वालिटी कीबोर्ड दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कीबोर्ड बन चुका है और इसी से ही आज के टाइम में सारी चीज़ जो है वो करी जाती हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको समझ आई हो कि कीबोर्ड क्या होता है, इसमें कितने टाइप की कीज़ होती हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।